छत्तीसगढ़ न्यूज में स्वागत है। तो दोस्तों, तो रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन का संकट बरकरार। कनाडा से रायगढ़ आया शख्स कोरोना पॉजिटिव। विदेश से लौटे अब तक 6 लोग संक्रमित पाए गए। छत्तीसगढ़ में विदेशों से आवाजाही के बीच कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका बरकरार है। रविवार को रायगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है जो कनाडा से लौटा है। स्वास्थ्य विभाग ने यह नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा है। प्रदेश में 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक 1000 से अधिक लोग विदेशों से आ चुके हैं। उनमें से 6 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। बिलासपुर के 2 मुसाफिरों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट भी आ गई है। उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी नहीं मिली है, लेकिन अभी तक 4 नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। प्रशासन का दावा है कि उन्होंने विदेशों से लौटे लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। उनके संपर्क में आए लोगों की भी जाँच की गई है। छत्तीसगढ़ में रविवार को 11,183 नमूनों की जांच हुई थी। इनमें से 21 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 9 मामले रायपुर में सामने आए हैं। उसके बाद रायगढ़ में 5 और दुर्ग जिले में 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रविवार को कोरोना से किसी मौत की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। प्रदेश में अभी भी 332 मरीजों का इलाज जारी है। इनमें सबसे अधिक 83 मरीज अकेले रायगढ़ जिले में हैं। दुर्ग जिले में 43 और रायपुर में 39 मरीज सक्रिय हैं। बिलासपुर में भी 32 एक्टिव केस हैं।